हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज के अपकमिंग बाइक 250 के बारे में। तो दोस्तों, इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा ये सर्च किया जाने वाला बाइक है, काफ़ी डिमांड में ये बाइक है कि ये बाइक कब लॉन्च होने वाली है। तो इसी को लेकर एक ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बजाज पल्सर 250 एक इंडियन स्ट्रीट फाइटर बाइक है। इसका लॉन्च डेट अब रिवील हो चुका है, ऑफिशियली एक अपडेट आ चुका है कि ये बाइक कब लॉन्च होने वाली है और इसमें क्या आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलने वाला है, क्या क्या न्यू चेंज आपको देखने मिलने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहेगा, इन सारे चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। बजाज पल्सर 250 को फर्स्ट टाइम टेस्टिंग के दौरान 26 फरवरी 2021 को इंडियन रोड पे देखा गया था और अभी फिर से इसको एक बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और कुछ इमेज निकल कर सामने आ रहे हैं और हमारे पास जो जानकारी मौजूद है वही मैं जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप या आपके जितने भी फ्रेंड है जो बजाज पल्सर के फैन है, आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें कि उनको एक अंदाजा हो जाए, उनको एक एस्टिमेट मिल जाए कि ये बाइक लॉन्च कब होने वाली है, प्राइस क्या होने वाला है और कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलने वाले और इस बाइक का लुक कैसा होने वाला है। तो जितने लोग आप लोग भी इस बाइक का वेट कर रहे हैं या आप फ्यूचर में इस बाइक को लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अपने रिलेटिव या फ्रेंड के पास जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बजाज पल्सर 250 कब लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बजाज पल्सर 250 इसी साल 2021 में दिवाली के टाइम लॉन्च होने वाली है। फेस्टिवल सीजन में इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा। आप मानकर चलिए कि दिवाली और धनतेरस से कुछ टाइम पहले, कुछ हफ्ते पहले ये बाइक आपको शोरूम में मिल जाएगी, क्योंकि अभी कोरोना के चलते एक सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो कंपनी को भी समझ में आता है कि अभी अगर हम बाइक को लॉन्च करेंगे तो मैक्सिमम लोग इस बाइक को ले नहीं सकते, क्योंकि घर से बाहर जाना भी मना है और रिस्क भी है। तो अभी कंपनी इसको टालते हुए अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि इसको धनतेरस से पहले लॉन्च करेंगे, क्योंकि धनतेरस में काफ़ी सारे लोग जो बाइक लेने का वेट कर रहे हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि धनतेरस में काफ़ी ज़्यादा सेल होता है बाइक का। तो इसलिए कंपनी अपने सेल काउंट को भी बढ़ाने के चलते इसको धनतेरस से पहले लॉन्च कर दिया जाएगा इंडियन मार्केट में। और वहीं बात करें कि इसका प्राइस क्या होने वाला है, तो प्राइस के बारे में जानने से पहले हम चलिए इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि हमें इस फीचर्स में कितने प्राइस तक ये बाइक पड़ने वाली है। तो अभी जो न्यू इमेज सामने निकल करके आ रहा है बजाज पल्सर 250 के, उसे हमें क्लियर पता चल रहा है कि इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर सस्पेंशन दिया गया है, रियर में मोनोक्सस सस्पेंशन दिया गया है, ब्लैक कलर का एलॉय व्हील देखने को मिल रहा है और काफी डिसेंट सा प्यारा सा इसका रियर व्यू मिरर देखने को मिल रहा है। साथ ही इसमें स्प्लिट सीट भी है, छोटा सा रियर फेंडर है, एलईडी हेडलाइट प्रोजेक्टर है और साथ में DRL भी दिया गया है। शॉर्ट अपस्वेट एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिल रहा है, अंडर सीट LED टेल लाइट एंड अ न्यू सेट ऑफ पिलियन ग्रैब रेल्स हमें देखने को मिल रहा है इस बाइक में। और वहीं बात करें बजाज पल्सर 250 के डिजाइन का, तो इसका डिजाइन और भी पल्सर से हटके यूनिक सा होने वाला है और इसमें आपको बड़ा सा फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा और इसका जो काफ़ी लुक जो है वो काफ़ी शार्प होने वाला है। और साथ ही आपको इसमें न्यू इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा जो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल रहने वाला है और साथ में आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलने वाला है। पहले ऐसा अपडेट निकल कर सामने आ रहा था कि KTM की ड्यूक 250 बेस पे ये बाइक होने वाली है, बट अभी जो न्यू मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देखे तो बताया जा रहा है कि इस बाइक के लिए एक न्यू प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और वहीं अगर इसके इंजन की बात करें तो आपको इसमें नया 250cc का एयर कूल्ड एंड ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलने वाला है। और वहीं पावर प्रोड्यूसिंग की बात करें तो इसमें 23 से 25 BHP तक का आपको पावर मिलने वाला है। और वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो 18 से 20 Nm तक आपको इस बाइक में टॉर्क देखने को मिलने वाला है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें डुअल डिस्क मिलने वाला है और साथ ही इसमें डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलने वाला है और इसमें सिंपल क्लच भी दिया गया है, तो इससे आपको एक स्मूथ राइडिंग आपको इस बाइक में मिलने वाला है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बाइक में वाइब्रेशन भी काफ़ी हद तक कम किया जाएगा कंपनी के द्वारा। बजाज पल्सर सीरीज में बजाज के पास अभी 125, 150, 160, 180, 200 एंड 220 मौजूद है। बहुत जल्द इसमें बजाज पल्सर NS250 एंड पल्सर RS250 ऐड होने वाली है। बजाज पल्सर 250 सीधे टक्कर देने वाली है यमहा की FZ25 को और सुजुकी की Gixxer 25 को। अगर इन दोनों के कंपटीटर में इस बाइक को लॉन्च किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बजाज को इन दोनों से थोड़ा प्राइस वाइज कम रखना होगा, तभी ये उन दोनों बाइकों के कंपैरिजन में ये अच्छा सेल काउंट कर पाएगी मार्केट में। प्राइसिंग की बात करें तो इसका एस्टिमेट एक्स शोरूम प्राइस 1,20,000 तक हो सकता है। बजाज पल्सर 250 तो बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है ही, साथ ही बजाज और भी काफ़ी सारे 250cc की रेंज में मोटरसाइकिल बनाने का काम कर रही है, जिसमें से एवेंजर 250 भी है जो एवेंजर 250cc की होने वाली है। और साथ ही पल्सर 250 में भी आपको एडवेंचर मोटरसाइकिल बहुत जल्द इंडियन मार्केट
मार्केट में देखने को मिलने वाली है। तो अभी फिलहाल इन तीनों बाइकों पे बजाज काम कर रही है, बजाज पल्सर 250, बजाज पल्सर 250 एडवेंचर और बजाज एवेंजर 250, इन तीनों बाइकों पे अभी काम चल रहा है। अगर आप YouTube से पहले अपडेट पाना चाहते हैं बाइक रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या अपडेट, तो आप मुझे Instagram पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं YouTube से पहले Instagram पे अपडेट कर देता हूँ। आपको स्क्रीन पे मेरा Instagram का ID दिख रहा होगा, राइड विद बाइक रजत। आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे बाइक रिलेटेड जेन्युइन अपडेट पा सकते हैं सबसे पहले। तो आप जितने लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या आप इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं, क्या आप इस बाइक के लिए वेट कर रहे थे, और अगर वेट कर रहे थे तो कितने टाइम से आप इस बाइक को लॉन्च होने के लिए वेट कर रहे थे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।